तो आगे बढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि अशोक गहलोत के बहुत सारे भुगतभोगी लोग हैं, जिनमें बाबूलाल नागर से लेकर मदिरणा तक है, इसलिए गहलोत को ईडी और केंद्र सरकार पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। उन्होंने बजला सरकार को कहा है कि पुंत के पांव पाले में ही नजर आ जाते हैं। सोमवार को अलवर शहर के मोती डूंगरी पर अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर वो पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत की। बातचीत करते हुए भूपेंद्र यादव ने अशोक गहलोत के ईडी और केंद्र सरकार पर दिए गए बयान का पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी की कालिक पोती संवैधानिक संस्थाओं को गिराने का काम किया, देश के लोकतंत्र को एक परिवार का बंधक बनाने का काम किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित भाई ने मुझे अलवर की जनता का सेवा करने का जो अवसर दिया है। और जब से मैं आया हूं अलवर के सभी हमारे परिवार का आत्मीय स्वागत मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ की जिम्मेदारी लेकर पूर्ण सेवा करने का संकल्प लेता हूँ। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय ज्ञानदेव जी, पंडित धर्मवीर जी, जो पार्टी की हमारी पुरानी पीढ़ी, जिन्होंने जनसंघ के समय से इस पार्टी को यहाँ पर सींचने का काम किया, और वर्तमान में हमारे सांसद मेरे से पहले महंत बालकनाथ जी, हमारे विधायक संजय जी, रामेश जी, हमारे विधायक प्रत्याशी मंजीत जी, भाई जयराम जाटव जी, हमारे सभी साथीगण, जिन सबका मैं नाम लेना चाहूंगा, हम सब ने आकर के आज यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया है। आचार्य प्रद्युमन जी, जो हमारे पूरे इलाके में सनातन और वैदिक विषयों के ज्ञान शिक्षण के लिए कार्य करते हैं, उनका भी आशीर्वचन हमको प्राप्त हुआ है। और हम आज बाबा भर्तृहरि के दर्शन सबसे पहले करने जाएंगे, जगन्नाथ जी के, जो हमारे अलवर की पूरी परंपरा रही हजारों साल की, और अलवर की जो तपस्थली महंत हमारे सभी लोग वहां पर सिर नवाते रहे, महाराज भर्तृहरिनाथ जी की, जिन्होंने पूरे भारत की सनातन संस्कृति में वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक जैसे ग्रंथों की भी रचना करी, और अलवर उनकी तपस्थली है, वहां नमन करेंगे और फिर विधिवत कल से हमारे विधानसभा कार्यालयों का भी